लोगों के लिए लॉकडाउन के अंतर्गत ये दम आलू की सब्जी लेके आई हूँ, ये आप लोग ट्राई करना अपने घर पर। सारा मटेरियल मैंने घर का ही लिया है, कोई भी ऐसे नहीं है कि आपके घर के अंदर ये मटेरियल नहीं मिलेगा। तो सारी मैंने अभी ऐसे ही ट्राई करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बताया है, और ये सब्जी आप बनाना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, सबको खूब पसंद आएगी। तो मैं बता रही हूँ इसमें लिए मैंने आप लोगों को क्या क्या शामिल करूँगी। सबसे पहले तो मैंने ग्रेवी के लिए ये मटेरियल लिया है। ग्रेवी के लिए मैंने छोटे छोटे पीस के अंदर टमाटर काटे हैं, प्याज काटा है, लहसुन लिया है। लहसुन अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हो, वरना नहीं डालते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, और मैंने छोटी साइज़ के आलू लिए हैं और प्याज लिए हैं। ये इनको हम फ्राई करके और दम आलू की सब्ज़ी में साबुत डालेंगे ये। और सबसे पहले मैं इन सबको मिक्सी में डाल के और इनकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। और फिर सारे मैंने मसाले, वही अपन डेली सब्जी के लिए यूज़ करते हैं, वही मैंने मसाले लिए हैं, और उन्हीं मसालों से हम अच्छे तरीके से ये सब्जी की ग्रेवी तैयार करेंगे। आप लोग ट्राई करना, और फिर मैं आप लोगों को और आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँगी, और आप लोग ट्राई करते रहना। ये हमारी ग्रेवी है, वो तैयार है। अब हम पहले तो गैस जलाते हैं। गैस जला के प्याज और आलू को पहले फ्राई करते हैं। इनको हम फ्राई करने के बाद में यही तेल मैं यूज़ ले लूँगी, और इसी तेल के अंदर मैं वापस ये ग्रेवी है वो काम में ले लूँगी। तो पहले हमारा तेल गरम हो रहा है, गरम होने के बाद में हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा कट डालना चाहो तो आलू के अंदर हम थोड़ा सा कट लगा लेते हैं ऐसे करके, ताकि हमारा जो मसाला है वो इनके अंदर अच्छे से चला जाए। थोड़ा थोड़ा इनको ऊपर से ऐसे कर लेते हैं। फिर इससे क्या होगी कि हमारी ग्रेवी है वो इसके अंदर से अच्छे से सेट हो जाएगी पूरे के अंदर। ओके, अब ये सारे हमारे तैयार हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद हम सबको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन कलर होएगा ना, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए ये सारे प्याज, हरी मिर्च और आलू मैंने फ्राई करके साबुत इनको निकाल लिया है। अब मैं ये तेल जो हमारा गरम है इसी के अंदर एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ, और ये जब तक मेरा जीरा सिकेगा ना, फिर मैं इसके अंदर ग्रेवी को डाल दूँगी। ग्रेवी के साथ एक कटोरी मैंने दही और लिया है। ये ग्रेवी जब हमारी तैयार हो जाएगी तब इसके अंदर मैं ये दही यूज करूंगी। अभी हमारा जीरा थोड़ा सा और आ रहा है। मैंने वही वाला तेल यूज किया है जिसमें मैंने ये सारी चीजें फ्राई की है, तो वही आप कढ़ाई ले सकते हो, और वही आप ही सारा मतलब तेल वगैरह वही यूज कर सकते हो। अब टमाटर और प्याज लहसुन का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो मैंने इसमें डाला है। दस मिनट के करीब ये पूरी ग्रेवी है मेरी
तैयार होगी, थोड़ा सा ये तेल छोड़ देगी, तब हम इसमें सारे अपने टेस्ट के अनुसार मसाले डालेंगे। अगर आप तीखा खाते हो तो आप मिर्ची वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हो, वरना वही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया, चार चीज़ें मैंने यूज़ करनी है। ये चारों चीज़ें ही मैं यूज़ करूँगी। बाद में आप कोई भी चाट मसाला, सब्जी मसाला डाल सकते हो। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है, इसका टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये कसूरी मेथी का यूज़ किया है। अभी हमारी थोड़ी ग्रेवी है वो तैयार हो रही है। आप जो भी आपको मसाले पसंद हो उसके हिसाब से डाल सकते हो, इसमें कोई नहीं है। आपको जो भी पसंद हो, मिर्ची तेज पसंद हो या नमक अपने टेस्ट के अनुसार हम यूज़ करते हैं, तो सब हम उसी के अनुसार अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगा है, तो मैं अपने हिसाब से आधा टीस्पून है वो हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, इतना मैंने ये नमक डाला है, धनिया हम लोग थोड़ा सा तेज खाते हैं इसलिए धनिया सा पाउडर है मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज करती हूँ। अब इनमें से सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब ये जब पक्के अच्छे से तैयार हो जाते हैं तब मैं ये सारे इसके अंदर फ्राई की हुई चीज़ें हैं वो इस ग्रेवी में डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर क्रीम वगैरह भी डाल सकते हो, मलाई भी डाल सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना हो उसके अनुसार आप डाल सकते हो। मैंने ये क्रीम वाला दही लिया है, मेरे को ये क्रीम वाला दही है वो इसके अंदर यूज़ करना है। गैस को थोड़ा सा कम कर सकते हो। अब ये जब तक थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगे तब आप इसमें ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। इसमें भी आपको पता है कि तेल में फ्राई हुई है ना, तो तेल इनके अंदर भी काफ़ी है, तो ये अच्छे से इसके अंदर और फ्राई होके अपना तेल और छोड़ देगी साथ साथ में। सब्जी का कलर सुंदर आ रहा है, अच्छी लगेगी सब्जी सबको। अब ये दही है इसके अंदर यूज करिए।
दही डालने के बाद थोड़ा चलाना चाहिए, नहीं तो दही है हमारा फट जाता है। अब ये मैं थोड़ी सी ऊपर से कसूरी मेथी डाल देती हूँ, ये कलर में भी अच्छी लगती है और वैसे भी अच्छी रहती है। मेथी का यूज़ है वो थोड़ा सा रात के खाने में अपन कर लेते हैं। ये थोड़ा चाट मसाला और सब्जी मसाला, अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हो वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो सब्जी अब हमारी तैयार हो चुकी है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, खाएंगे तो टेस्ट भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं एक कटोरी में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जी है वो पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, अब मैं आपको नई रेसिपी के साथ आपके सामने दोबारा आऊँगी। ये मेरी फर्स्ट रेसिपी थी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आप लोगों के लिए दूसरी रेसिपी लेके आऊँगी जल्दी से। मेरी वीडियो को आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।